टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे समय से चला आ रहा है। ये शो बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। ये शो एक ऐसा शो है जिसे पूरी फैमिली साथ में एंजॉय करती है। इन दिनों ये शो खासा सुर्खियों में बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि शो में टप्पू का रोल प्ले करने वाले राज नादकट जल्द ही शो को अलविदा कहने वाले हैं। हालांकि शो के मेकर्स ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो में भीड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाकर ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि राज ने शो छोड़ा है या नहीं, लेकिन शायद कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते राज पिछले कुछ दिनों से शो की शूटिंग पर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से उन्हें सेट पर नहीं देखा गया। लंबे समय से चले आ रहे इस शो को मानो किसी की नजर लग गई है। एक के बाद एक लोग इस शो को छोड़ रहे हैं या फिर रिप्लेस किए जा रहे हैं। हाल ही में शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोधा ने भी शो को अलविदा कह दिया था। शैलेश ने लंबे वक्त तक तारक मेहता का रोल निभाया, लेकिन उनके शो छोड़ने की खबर ने उनके फैंस को मायूस कर दिया। शैलेश के बाद अब टप्पू का किरदार निभाने वाले राज के शो के छोड़ने की खबर पर सबका मानना है कि अब शो में पहले वाली बात नहीं रह जाएगी। दयाबेन एक ऐसा किरदार है जो कि शो की जान माना जाता रहा है। शो में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने सालों पहले इस शो को अलविदा कह दिया था। दिशा ने जब ये शो को छोड़ा तो फैंस को यकीन ही नहीं हुआ। सबको लगा कि अब उनके बिना इस शो कैसे चलेगा। सब उम्मीद लगाए हुए थे कि दयाबेन की शो में वापसी होगी, लेकिन शो के मेकर्स ने बताया कि दिशा अब दोबारा इस शो का हिस्सा नहीं होंगी। लेकिन हाल ही में खबर आई कि दयाबेन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। अब दयाबेन के किरदार की तो शो में वापसी हो जाएगी, लेकिन दिशा की तरह उस किरदार को निभाने किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दिशा के बाद शैलेश और अब राज का शो को छोड़ा फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि राज नादकट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ एक फोटो शेयर की और बताया कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में सबको बताएंगे। अब शो छोड़ने की वजह ये है या फिर इसके पीछे कोई और ही बात है, ये वक्त आने पर पता चलेगा।